हिना साहब पार्टी में यदि हैं आ जाती हैं तो हमको लगता है कि पूरे सारण प्रमंडल 24 विधानसभा सीट है, तो हमको लगता है कि 24 में 24 इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा विधानसभा में 2025 का। आपका 2025 में चुनाव होगा, समय बहुत कम है चुनाव लड़ने वाले आदमी को। तो हमारे गोरिया कोठी विधानसभा में 42 पंचायत है, समय नहीं है, तो इसलिए हमने गोरिया कोठी फर्स्ट पंचायत हेतिमपुर पंचायत पड़ता है, मैंने उस पंचायत से दौरा शुरू किया हूँ। हर बूथ पर कमेटी बनाने का काम कर रहा हूँ, हर बूथ पर मेरा 15 सदस्य होंगे और 344 हमारे विधानसभा में गोरिया कोठी में मतदान केंद्र है। तो मैं इस उद्देश्य से घूम रहा हूँ कि पूरे बूथ पर, हर बूथ पर 15 हमारा क्रियाशील सदस्य हों, ताकि हमारे वोटर का वो जागरूक करें। लालू जी या तेजस्वी का जो संदेश है, उस संदेश को गांव-गांव तक और मोहल्ला झोंपड़ी तक पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से हम घूम रहे हैं पूरे गोरिया कोठी में। आखिर गोरिया कोठी आप भ्रमण कर रहे हैं, तो मतलब पार्टी की तरफ से अगर कुछ आपको निर्देश दिया गया है या आपको कहा गया है कि आप जाइए आपको टिकट मिलेगा, इस प्रकार के कुछ है क्या? देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का हम काम कर रहे हैं, इतना हम काम करेंगे ताकि हमारे जो नेता जी बैठे हुए हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जी या युवा नेता तेजस्वी यादव जी, ताकि उन लोगों के यह कान तक पहुंचे आवाज़ कि रविंद्र राय ने गोरिया कोठी में ईमानदारी पूर्वक और पार्टी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को हम पहुंचाने काम कर रहे हैं। ये उस उद्देश्य से हम घूम रहे हैं। अभी तक मैंने, अभी तत्काल लोकसभा के बाद मैंने लालू जी से और तेजस्वी से नहीं मिला हूँ, लेकिन मैं अपना पार्टी का काम कर रहा हूँ। तो क्या लगता है कि पार्टी आप पे विश्वास जताएगी 2025 में? बिल्कुल निश्चित तौर पर 2025 में हम प्रबल दावेदार हैं और मांग करूंगा कि मैंने पार्टी के ईमानदारी पूर्वक काम किया हूं, करता हूं, करते रहूंगा। लगातार आपके पिताजी 6 बार विधायक रहे? हाँ, रहे हैं। बसंतपुर जब था परिसमन के पहले, परिसमन के बाद गोरिया कोठी आ गया। इस उद्देश्य से हम घूम रहे हैं अभी गोरिया कोठी में। खास कर हमारे लिए 22 पंचायत है गोरिया कोठी प्रखंड में, हम उस उद्देश्य से घूम रहे हैं कि गोरिया कोठी अपने आरजेडी के लोगों को, गठबंधन के नेता कार्यकर्ताओं को मैं जगाने का काम कर रहा हूं, और जो पार्टी का हमारा सिद्धांत है उस सिद्धांत को पहुंचाने के मैं काम कर रहा हूं। क्या लगता है गोरिया कोठी का मूलभूत समस्या क्या है? देखिए, गोरिया कोठी में विकास नहीं हुआ है। मैं भ्रमण कर रहा हूँ, कहीं गाँव में रोड नहीं है, कहीं विद्यालय का भवन नहीं है। मैंने कई बार कहा, 3-4 विद्यालय ऐसे विद्यालय है कि उस विद्यालय को बंद कर दिया गया, वहाँ भवन नहीं है। 4 या 5 किलोमीटर तक दूरी तय करके बच्चा बच्चियाँ दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं उदाहरण दिया था आपका, अंगिया के एक गांव है, गोदाम पड़ता है वहाँ। पूर्व में 2012 में वहाँ के लोगों ने विद्यालय जमीन दिया, हमारे पिताजी ने विद्यालय खोलने का काम किया, उस समय प्लानित रखवाए थे, एल्वेस्टर था। उस विद्यालय को माननीय विधायक जी ठाकुर दुबे टोला, लेकिन सिसई अंगिया के पीस रोड के दक्षिण चले गए, जो दूरी 4 किलोमीटर पड़ता है। मैंने क्षेत्र भ्रमण दरमियान में गया था वहाँ, काफ़ी लोगों ने बताया कि देखिए यह विद्यालय खुला, बारे में यहाँ सरकारी शिक्षक का बहाली हुआ और इस विद्यालय को बंद कर दिया गया। मैंने पूछा कि कौन बंद किया, तो स्थानीय विधायक ने बंद करके उस विद्यालय को लेकर चले गए हैं पीस रोड से, जो सिवान मलमले रोड देख रहे हैं, उस विद्यालय रोड से दक्षिण तरफ। मैंने आश्वासन दिया कि मैं पहल करूँगा, हमारे पार्टी के लोग हैं, हम बात को रखेंगे। मैं पहल किया हूँ, कर रहा हूँ। हमको लगता है कि बहुत जल्द वहाँ हम भवन बनाने का काम करेंगे। हम भवन तो है नहीं, लेकिन हमारे माननीय विधायक लोग, माननीय MLC लोग हैं, उनसे हम बात किए हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से जो है हिना साहब से सोशल मीडिया पे या न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है कि हिना साहब जो है लालू जी से मुलाकात कर ली है, इस पर क्या कहें? देखिए, हिना साहब तो कोई नया नहीं है, पुराने पार्टी के हैं। महरूम साहबुद्दीन साहब पार्टी के लिए काम किए हैं, MLA रहे हैं, सांसद रहे हैं। कुछ आपस कुछ दूरियां बढ़ी थी, उस दूरी को आज एक सप्ताह लगभग पहले मीडिया के माध्यम से हम सुने कि हिना साहब, उसमा बाबू और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष
लालू जी और तेजस्वी जी ने कहीं वार्तालाप किए हैं पटना बैठकर, हम सुने हैं मीडिया के माध्यम सुने हैं। अब क्या बात हुआ तो बड़े आदमी का बात है, लोग क्या बात है वो लोग जानते होंगे, इस पर ज़्यादा हम कहना नहीं चाहते। क्या लगता है हिना साहब आ जाएंगी पार्टी में तो सिवान का जो है सीट जो है जिस प्रकार से देखे कि नहीं रहने से कितना हानि हुआ? देखिए आरजेडी हिना साहब पार्टी में यदि हैं आ जाती हैं तो हमको लगता है कि पूरे सारण प्रमंडल 24 विधानसभा सीट है, तो हमको लगता है कि 24 में 24 इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा विधानसभा में 2025 का। क्या लगता है कि सिवान में ही असर रहेगा कि पूरे बिहार में रहेगा? रहेगा हिना साहब का जन से रहेगा रहेगा बिल्कुल रहेगा। सिवान में कि पूरे बिहार में रहेगा हिना साहब? हमको लगता है हिना साहब अपने स्तर से दौरा करेगी, जहाँ जहाँ आवश्यकता उनको महसूस होगा कि ना करेगी। हमको परमंडल आपका 24 विधानसभा 24 हम लोग जीतने काम करेंगे 25 में, और 25 में हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, कोई नहीं रोक सकता है इस बार। आपका क्या मैनिफेस्टो होगा गोरिया कोठी को लेकर? देखिए गोरिया कोठी यदि हमको पार्टी टिकट देती है चुनाव जीतते हैं तो गोरिया कोठी में सबसे पहले गोरिया कोठी मार्केट को आज़ाद करूंगा। हम सोचे हुए हैं, मेरे दिमाग बैठा है कि गोरिया कोठी जो भी वहाँ व्यवसायी लोग हैं खुलकर नहीं बोलते हैं, सहमे हुए हैं, आतंक है उनके मन स्थानीय विधायक जी का वहाँ, इसलिए वहाँ के व्यवसायी लोग हम कहते हैं एक बार सत्ता मिलेगा तो गोरिया कोठी मार्केट हम आज़ाद करूँगा, मेरा उद्देश्य है ही पहल का। और विकास तो है ही नहीं है गोरिया कोठी में, कहीं विकास नहीं है उनका। जितना हमको लगता है कि काफ़ी रोडों का वो बोर्ड लगवा दिए हैं एक साल दो साल पहले, और आज तक उसमें काम शुरू नहीं हुआ है। मैंने कई बार आप लोगों चैनल से कहा सिसई से लेकर मुस्तफाबाद जाने वाले तो लगातार शिलान्यास कर रहे हैं, वही कामें हैं उनका। जब हम कुछ बोलते हैं लोग बोलता है तो तुरंत बोर्ड लगवा देते हैं, वो काम होगा कि नहीं होगा वो भगवान ने जानते हैं, वो जानते हैं। एक कहीं विकास नहीं है बोर्ड, अब देखिएगा लेकिन बोर्ड गाला में कहीं काम नहीं हुआ है। आप हरदिया से चले जाइए डुमरी जर्जर स्थिति है, कन्हौली से बसाव चले जाइए जर्जर स्थिति है, आपका मूसेपुर एक रोड जाता है महुआरी से, महुआरी जाता है जर्जर स्थिति है, आप बरसात में मोटरसाइकिल लेकर नहीं जा सकते हैं, विकास है ये नहीं है उनका। अच्छा अगर आप आ जाते हैं तो विकास होगा गोरिया कोठी में? बिल्कुल मेरा उद्देश्य है, हम सीखे हैं। किसे सीखे हैं? अपने पिताजी से। पिताजी को हमारे क्षेत्र लोग 6 बार चुनाव जिताने का काम किए विकास के नाम पर, विकास नहीं किए होते तो 6 बार लोग नहीं चुनाव जिताते उनको। तो हमारा उद्देश्य है, हम सीखे हैं अपने पिताजी से कि जनता की सेवा कीजिएगा तो आपका आने वाले समय में जनता आपको मदद करेगी, ईमानदारी पूर्वक करेगी। तो मेरा उद्देश्य है कि यदि सत्ता हमको हाथ में आती है, लालू जी हम पर भरोसा करते हैं, तेजस्वी यादव भरोसा करते हैं, तब मेरा पहला काम होगा विकास, गोरिया कोठी का विकास करूंगा, और इतना करूंगा कि 5 साल में फिर आपसे बात करेंगे, वहाँ की जनता याद करेगी पुकारेगी गिरविंद राय जैसा कार्यकर्ता चाहिए, नेता नहीं बेटा चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, और कार्यकर्ता बनकर ही और जनता की बेटा बनकर भाई बनकर मैं काम करूंगा गोरिया कोठी में। चलिए।